नमस्कार। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर का ये लेक्चर आपके लिए, जो कि एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का 6 नंबर का वीडियो होगा। ये आपको मैं इस लेक्चर के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में या कृषि के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी के इंटरफेरेंस करने से किस किस प्रकार का फ़ायदा हो सकता है। आप कैसे अपनी पौधों की उत्पादकता में सुधार कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट ऑफ प्लांट प्रोडक्टिविटी कैसे कर सकते हैं, क्रॉप प्रोटेक्शन आप कैसे कर सकते हैं, दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ठीक है, क्योंकि यदि आप उत्पादकता में सुधार नहीं कर पाएंगे, उसकी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, तो कहने का मतलब आपको फ़ायदा नहीं होगा। दोनों एक्टिविटीज़ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग से सफल हुआ है। ठीक है ना, तो जैव तकनीकी बायोटेक्नोलॉजी DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्निक का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है प्लांट में। इस तकनीक के उपयोग की सहायता से आप पौधों के अनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन ला सकते हैं, जीन मैनिपुलेशन हेरफेर कर सकते हैं, प्लाज्मिड के द्वारा जीन्स या DNA खंड को उठाकर उनका स्थानांतरण आर्टिफिशियल कल्चर में उगने वाले प्रोटोप्लास्ट में किया जाता है। मतलब क्या करना है आपको, प्लाज्मिड या जीन्स या DNA को उठाकर किस में रखना है आपको, किसी आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में उगने वाले प्रोटोप्लास्ट में रख देना है। इस प्रकार वहाँ पर जो ग्राही कोशिका या प्रोटोप्लास्ट का जो अनुवंशिक पदार्थ होगा, उसकी बनावट, उसकी संरचना में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है ना, साइंटिस्ट ये बात भली प्रकार समझ लेते हैं कि इसकी सहायता से आप पौधे के नए किस्म या स्ट्रेंस को उत्पादित करने में फ़ायदा हो सकता है, या समझ लिए उन्होंने, ऐसा कह सकते हैं। BT कपास BT कॉटन जो बोलते हैं, ठीक है, इसका जीता जागता उदाहरण है। BT कपास या BT कॉटन इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल बनता है। ठीक है ना, फसलों में उपरोक्त विधि द्वारा अनुवांशिक परिवर्तन फसलों में लाने के लिए क्लोन जीन्स वेक्टर DNA की आवश्यकता होती है। क्या आप किसकी ज़रूरत पड़ती है, क्लोन जीन्स और वेक्टर DNA की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना, एक होता है क्लोन और दूसरा होता है वेक्टर, इन दोनों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना, तो वैसे फसलों के लिए तो बहुत सारे वेक्टर्स पता चल चुका है, और फसलों के लिए उत्पादित पौधों में प्लाज्मिड बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, जो कि प्लाज्मिड रहना चाहिए या है। तो बहुत अच्छे से आप बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से आप फसलों की प्रोडक्टिविटी को, क्रॉप प्रोटेक्शन को आप बढ़ा सकते हैं। देखिए, मैं बात करता हूँ पहले इम्प्रूवमेंट ऑफ प्लांट प्रोडक्टिविटी की। तो इसमें सबसे पहले इसमें एक अनुक्रम आता है, जैव तकनीकी द्वारा पौधों की उत्पादकता में सुधार और वृद्धि के लिए क्या प्रयास किए जाते हैं। तो पहला आता है इसमें ट्रांसफर ऑफ निफ जीन कहने का मतलब होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीन का नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रीफाइंग जीन बोलते हैं NIF को, है ना, क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन कहते हैं इसको, पूरा नाम नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन। ठीक है ना, समझ में आया। ये प्रेजेंट होता है कुछ जीवाणुओं में, जीवाणुओं के जीन्स में ऐसा देखा गया था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। उनको आइसोलेट करने का सबसे पहला बीड़ा उठाया या काम किया डिक्सन एंड पोस्टगेट ने। किसने, डिक्सन और पोस्टगेट ने 1972 में निफ जीन्स, जो कि राइजोबियम जीवाणु में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं, उसको निफ जीन को, जो कि राइजोबियम जीवाणु में जो नाइट्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं, उसको बाद में दो बैक्टीरिया या जीवाणु की प्रजाति, एक है क्लेबासिएला न्यूमेनी न्यूमोनी और दूसरा है ई कोलाई में ट्रांसप्लांट किया, स्थानांतरित करने में सफलता प्राप्त की है। कुछ क्लोन जीन्स के उदाहरण और है इसमें एग्रीकल्चर में, जैसे फ्रेंच बीन जानते होंगे आप लोग, और एग्जांपल देखने को मिलेगा, फ्रेंच बीन कई लोग खाते हैं, इसको जानते हैं। एक होता है फेसियोलिन और GL ग्लोबिन, ठीक है, इसमें और आता है सोयाबीन जानते होंगे आप लोग, उसमें भी फेसियोलिन और लेग हीमोग्लोबिन जीन्स, मटर का रुबिस्को, कार्बोक्सिलेज नामक
एंजाइम की सहायता से आप मटर के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं जो जीन्स की उपक इकाई होती है। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो चुका है। तो बनाने का निकालने की प्रक्रिया क्या है? कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है, एक बैक्टीरिया सेल, ये हो गया दूसरी बैक्टीरिया सेल, ठीक है ना, एक जीन से, एक बैक्टीरिया से, ये हो गया बैक्टीरियल सेल पहला, ये हो गया बैक्टीरियल सेल दूसरा। एक बैक्टीरिया ऐसा है जिसमें प्लाज्मिड हम प्राप्त करेंगे, क्या प्राप्त करेंगे, प्लाज्मिड प्राप्त करेंगे, ऐसा ये हो गया प्लाज्मिड, क्या प्राप्त करेंगे, प्लाज्मिड। दूसरे से हम डीएनए का एक खंड निकालेंगे, ठीक है ना, वेक्टर क्लोन जीन और वेक्टर की जरूरत पड़ती है, तो वेक्टर ये हो गया वाहक, ये हो गया वेक्टर, हो गया वाहक, और ये हो गया क्लोन जीन जो पहले से क्लोन है, इसके जीन को निकाल लिए। अब इसको हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम की सहायता से कट कर लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं, कटिंग करेंगे, ये मैं इस प्रकार का इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसमें मुझे कुछ और जोड़ना है, तो मान लो ये ऐसा प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो ये वाला एंड है स्टिकी एंड कहलाएगा, स्टिकी एंड कहलाएगा, और ये जो है इसे हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम की सहायता से जो प्लाज्मिड है इससे निफ जीन को अलग कर लेंगे, निफ जीन को अलग कर लेंगे, समझ में। दोनों को हम वेक्टर को और इस डीएनए के खंड को हम मिला देंगे, मिलाएंगे तो ये ऐसा, और ये है वो वेक्टर जो आपने निकाला था, ये इस प्रकार नए डीएनए का खंड बना लेता है, ठीक है, ये इस तो टी डीएनए, ये हो गया निबजिन, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, रिकॉम्बिनेट टेक्नोलॉजी के द्वारा, मतलब ये होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए भी कहते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अब बैक्टीरिया सेल के अंदर प्रतिस्थापित कर देंगे इसको, ये ऐसा बैक्टीरियल सेल में फिर से ट्रांसप्लांट कर देंगे, बैक्टीरियल सेल में क्या कर देंगे, इसको ट्रांसप्लांट कर देंगे, स्थानांतरित कर देंगे। जब बैक्टीरियल सेल में इसको ट्रांसप्लांट करेंगे तो बैक्टीरिया के और बहुत सारे रूप बनेंगे, बहुत सारे बैक्टीरिया बनेंगे, मतलब उसको क्लोन बनेंगे, क्या बनेंगे, क्लोनिंग होगी इसकी, क्या होगी, क्लोनिंग होगी। जब क्लोनिंग होगी, क्लोन तैयार हो जाएगा, ठीक है, तो इस क्लोन को, क्लोन्ड को, ठीक है ना, इस क्लोन को कहाँ पर डालेंगे, किसी जीवाणु के अंदर डालेंगे, ठीक है, इसको किसके अंदर डालेंगे, मान लो ये एग्रो बैक्टीरियम जीवाणु है, एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस नामक एक जीवाणु है, ठीक है। तो यहाँ पर आइसोलेशन ऑफ निब जीन इंटू प्लांट सेल, मतलब हम किसी प्लांट सेल में, प्लांट सेल, ये प्लांट सेल हो गया, ठीक है, एग्रो बैक्टीरियम नामक जो जीवाणु है, ये जो एग्रो बैक्टीरियम नामक जीवाणु है, इसको इसके अंदर क्या करेंगे, ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो ये आ गया जीवाणु इसके अंदर, ये ऐसा, ठीक है, ये नया प्रकार का। अब क्या होगा, ये सी डी एन ए बनाएगा फिर से अंदर, टी डी एन ए इसके अंदर पहले से रहता है, ठीक है ना, टी डी एन इसके अंदर पहले से रहता है, बाद में ये क्या करता है, रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन के द्वारा नए प्रकार के जीन खंड का फॉर्मेशन करता है, नए प्रकार के जीन खंड का फॉर्मेशन करता है विथ न्यूक्लियस। किसमें ये प्रक्रिया हो गई, प्लांट के अंदर हो गई, मतलब प्लांट के अंदर वो क्लोन जीन्स प्रवेश करा दिए हमने एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु की सहायता से, जिसकी सहायता से प्लांट में भी नाइट्रोजन फिक्सेसिंग का काम हो सकता है। इस प्रक्रिया के द्वारा धान की फसल में भी उसके जड़ में रूट नोड्यूल्स उत्पन्न करने की कोशिश लैक्टिन नामक जीन या लेग हीमोग्लोबिन जीन्स को प्रवेश कराकर की जा रही है, ठीक है, जीन्स के प्रभाव की संभावना यही है कि क्लोरोप्लास्ट को नाइट्रोप्लास्ट में परिवर्तित किया जा सके, मतलब उसमें जो क्लोरोप्लास्ट रहता है, क्लोरोप्लास्ट रहता है वो नाइट्रोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाए, नाइट्रोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाए तब वो ज़्यादा कारगर होगा, ठीक है ना। इसके अलावा बीजों के पोषण मान में सुधार करने के लिए भी, इंक्रीज इन न्यूट्रियल वैल्यू, मतलब बीज में
पोषण स्तर सुधरना चाहिए, उसके लिए भी जीन को भी स्थापित करके क्लोनिंग करके फसल सुधार किया जा सकता है। ठीक है ना, समझ में आया ना। एक तो ट्रांसफर ऑफ निप जीन तो हो ही गया, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूँ इसमें ट्रांसफर ऑफ निप जीन्स के अलावा, तो सेकंड मैं यहीं पर नोट कर देता हूँ, ठीक है। इंक्रीज इन न्यूट्रिशनल वैल्यू, इंक्रीज इन न्यूट्रिशनल वैल्यू, ठीक है। बीजों के पोषण मान संग्रहित प्रोटीन में सुधार कर सकते हैं आप, इसकी सहायता से इंक्रीज इन फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं आप, इंक्रीज इन फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं आप, इसकी क्षमता में अभिवृद्धि कर सकते हैं आप, जीनिक परिवर्तन के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इस क्रिया से आप C3 प्लांट को C4 प्लांट में बदल सकते हैं, जिसमें ज़्यादा मात्रा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। वैज्ञानिकों ने मटर में उपस्थित रुबिस्को एंजाइम जीन्स को तंबाकू के पौधे में स्थानांतरित करके उसमें प्रकाश संश्लेषण की दर को वृद्धि करने में सफलता प्राप्त की है। किसमें, मतलब पी नामक प्लांट से, मटर से रुबिस्को RUBP रुबिस्को नामक एंजाइम को अलग करके तंबाकू में ट्रांसप्लांट किया, टोबैको में, ठीक है ना। इससे इसकी प्रकाश संश्लेषण वृद्धि हो गई, प्रकाश संश्लेषण दर में वृद्धि हो गई, समझ में। फोटोसिंथेसिस इंक्रीज, प्रकाश संश्लेषण की दर अगर बढ़ गई तो मतलब होता है उत्पादन में भी वृद्धि हो जाएगी। दूसरा पार्ट इसका था एग्रीकल्चर के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का, क्रॉप प्रोटेक्शन से संबंधित था। क्रॉप प्रोटेक्शन से संबंधित है का मतलब आप फसल की सुरक्षा कैसे करेंगे, तो सिंपल है, रिमूवल ऑफ नॉनसेंस जीन्स। कहने का मतलब यह है कि जो कृषि के लिए नुकसानदायक है, फसल के लिए नुकसानदायक जीन्स है, बेकार जीन्स है जो उसके शरीर में बनते रहता है, उसको बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस के द्वारा हटा सकते हैं, ठीक है। मक्का में जो साइटोप्लाज्मिक नर बंधितता और रोग धारणता माइटोकांड्रिया होता है, प्लाज्मिड से संबंधित होते हैं, बेकार जीन्स कहलाते हैं, उन जीन्स को जैव तकनीक के द्वारा पृथक करके पौधों को हानि से बचाया जा सकता है, ठीक है ना। दूसरा, हानिकारक जीन्स को हटाना हो गया पहला। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस। कहने का मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता का आप विकास कर सकते हैं। पादप विषाणु फसलों के उत्पादन और उनकी गुणवत्ता को क्षति पहुंचाते हैं, हम जानते हैं जितने प्रकार के प्लांट वायरस होते हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से उन विषाणुओं को आप कंट्रोल करके रख सकते हैं। वर्तमान में जो वायरस प्रोटेस्टर क्लोन होते हैं उसका उपयोग पोषक पौधों में डिसीज रेजिस्टेंस पावर को डेवलप करने के लिए किया जा रहा है। इसके लिए एबेल और उनके सहयोगियों ने काम किए थे, एबेल एंड उनके हेल्पर ने काम किए थे 1986 में, ठीक है ना। TMV वायरस, तंबाकू का टोबैको मोजेक वायरस जो होता है, इसके प्रति प्रतिरोधी शक्ति विकसित करने में सफलता प्राप्त की थी तंबाकू में, ठीक है ना। तंबाकू का उत्पादन अच्छा होना शुरू हो गया जिसके कारण। नेक्स्ट आता है इसमें हर्बिसाइड रेजिस्टेंस, तृणनाशक शक्ति। कहने का मतलब है पौधों में तृणनाशी, पौधों के हानिकारक पौधे जो होते हैं तृणनाशी, वो दूसरे पौधों के लिए हानिकारक होते हैं, इन पौधों पर पार्श्व प्रभाव उत्पन्न करते हैं। मतलब पौधों को पोषक जो मेन मुख्य पौधा होगा आपका, उनको पोषण से बचाएगा, है ना, उसके खिलाफ काम करेगा, मतलब उसमें कुप्रभाव उत्पन्न हो जाता है। उससे बचने के लिए रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्निक के द्वारा हर्बिसाइड्स रेजिस्टेंस, मतलब तृणनाशक प्रतिरोधी उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त किया गया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें और आता है प्रोटीन की गुणवत्ता को बढ़ाना, प्रोटीन वैल्यू को इंक्रीज करना, ठीक है ना। बीजों में प्रोटीन की मात्रा को, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना, जंतु प्रोटीन से संबंधित जितने भी जीन होते हैं फसली पौधों में भी स्थानांतरित किया जाना अब संभव हो चुका है। सबसे अच्छा और बेहतर काम इसमें मिलता है ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोडक्शन में,
आगे के वीडियो में आपको यही मिलेगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, अनुवांशिक रूप से उत्पादित पौधे का निर्माण कर लिया गया है, जैसे बी टी कॉटन, इसी का एक एग्जांपल है। टोमेटो में सावर फ्लेवर टमाटर भी है, आपको पता होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने बताया कि कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं फसल को, फसल प्रोडक्टिविटी को, कैसे आप न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा सकते हैं बीज के, फोटोसिंथेसिस मान को इंक्रीज़ किया जा सकता है बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से, क्रॉप को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं आप बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से, ठीक है। तो ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होते रहें। ध्यान रखिए, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो बड़े गौर से और ध्यान से देखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर किया करें, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।